नागरिक सम्मान बढ़ाया गया है, जैसा अगर गाँव गाँव में आप जाते हैं उसके नागरिक सम्मान करें, तो इससे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए वर्तमान जो है वो पुराने लोगों की द्वारा स्थापित मापदंडों के आधार पर ही, और भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे गरीब हो या बुजुर्ग हो उनका सम्मान होना चाहिए। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों को, हर जगह उनकी अवहेलना होती है, उनकी अनदेखी होती है और कई जगह तो उनको वजन माना जाता है। हम चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबका फर्ज है कि उनका सम्मान सामूहिक रूप से किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनमें प्रेरणा जाए कि अगर जनप्रतिनिधि उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद दे रहे हैं, तो घर के सामने सदस्य जो नए हैं वो भी इस प्रकार की कहीं ना कहीं प्रेरणा। दूसरी हम श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भी उनको भेंट करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इस जन्म को भी सुधारता है और अगला जन्म भी सुधारता है। और जो उसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को अगर मानता है, वही जीवन में आत्मसात करता है, तो वर्तमान जीवन भी उसका पूर्णतः सुखी होता है। सर अभी किसानों के बारे में जो यात्राएं सरकार द्वारा और आपके द्वारा भी ग्रामीण अंचलों में जा जाकर यात्राएं करें, आपको उसके बारे में देखो किसान जो है हमारे यहाँ बहुत मेहनती किसान है। खासकर अगर मैं सूचना विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसान इतना मेहनती नहीं जितना सूचना विधानसभा का, और यहाँ प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है। जितना रकबा है उससे कई गुना ज़्यादा पैदावार होती है। हमारे माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में बिजली पर्याप्त मात्रा में 10 घंटे पर्याप्त किसानों को मिलती है। भाव खाद बीज की कोई किल्लत नहीं आती है, अच्छी किस्म का खाद और बीज मिलता है, उसके कारण से भरपूर पैदावार होती है। थोड़ा सी भाव कुछ जिन्सों के इतने अच्छे नहीं हैं, उसके कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ मध्य प्रदेश में अनोखी योजना लागू करी है कि अगर एक मानक रेट से जो मूल्य निर्धारित किया उससे अगर कम रेट तय होते हैं फसल मिलते हैं मंडियों किसान को, तो उसकी अंतर की राशि जो है वो खुद सरकार अपने खजाने से किसान के खाते में डालेगी, और उससे किसानों में काफ़ी राहत है और सरकार के प्रति काफ़ी प्रसन्नता है। और अभी आपकी सरकार युवाओं के लिए भी, युवाओं का जो वोटर होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, तो युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या ले सकता है? अभी शिवराज जी ने जो दिल की बात कही थी, तो मैं युवा शक्ति सशक्तिकरण की योजनाओं के, मैं अपने सुस्थेर के एक बालक के सुस्थेर युवा शक्ति के शैलेश शर्मा, उन्होंने जो सुझाव दिया था जो मुख्यमंत्री जो काफ़ी पसंद आया था, तो उस पर आपका क्या? देखिए निश्चित तौर पर युवा ही हमारी इस देश की सबकी ताकत है, और राम सनातन काल से जहाँ युवा सोचता है वही होता है, उसी दिशा में देश आगे बढ़ता है। अभी युवाओं को सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लेकिन आप जानते हैं सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, 2-3% लोगों को मिल पाती है। बाकी लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कौशल उन्नयन नाम के बहुत बड़े हर स्तर पर प्रयोग चला रखें, ताकि युवा प्रशिक्षित हो, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र ले हो, और उसके बाद उसको जो प्रशिक्षण उसने लिया है उसी प्रकार का उसका लोन उस स्कीम के तहत उसको लोन दिलवा के उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, और वो खुद 2-4 लोगों को रोजगार दे, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ भी काफ़ी लोगों ने युवा स्वरोजगार के तहत लोन लिए हैं, यहाँ तक कि 80-80 लाख तक के लोन यहाँ पे हमारे सुस्थेर विधानसभा में लिए हैं। कई किसान से संबंधित है, उन्होंने भैंस पालन वगैरह स्कीम्स में लिए हैं। कई ने जो है वो कुछ अलग अलग स्कीम के तहत जिसमें 30% का अनुदान भी है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवाओं के लिए भी ये सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा माकूल अवसर। अपन देखा जाए तो 15 साल से लगातार का घर विधानसभा, तो देखा जाए तो यहाँ एक स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा की जो कमी है, स्वास्थ्य विभाग के अपने डोंगर गांव में स्वास्थ्य जो विभाग के जो स्वास्थ्य के निदेशक ने खुला, इसमें काफी करना पड़ता है। स्वास्थ्य के मामले में निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं कमजोर है, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब से कांग्रेस की सरकार रही, और मुझे ये आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता पर यह सत्य है कि उस समय अगर मेडिकल कॉलेज प्रचुर मात्रा में खुलते, पर्याप्त मात्रा में खुलते, तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है तो इसके पहले 55 साल कांग्रेस का राज रहा, 55 साल में जितनी मेडिकल कॉलेज में सीटें थी उससे ज़्यादा सीट मेडिकल कॉलेज में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समय आई है और उसके कारण भी आने लगी। डॉक्टर फैक्ट्री में तो बनाए नहीं, जैसे मेडिकल कॉलेज भी खोलना पड़ेगा। कंप्लीट होने में लगभग मेरा मानना 7 साल समय लगता है, लेकिन अब नई डॉक्टर आने लगे हैं हमारे यहाँ। अभी इसके पहले आगर भी मात्र 3 या 4 डॉक्टर हुआ करते थे, 22-23 डॉक्टर आगर चिकित्सालय में क्रिश्चन में पहले 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर 4 डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर भी, तो धीरे धीरे इस कमी को पूरा कर रहे हैं। सर आपकी सरकार को, आपको विधानसभा चुने लगभग 3.5 साल लगभग हो चुके हैं, तो आपको जो आपके द्वारा क्या क्या उपलब्धियाँ सुषमा विधानसभा के द्वारा क्या बाकी है जो आप? देखिए, मूलभूत सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसमें हर गांव को सड़क की जोड़ना लगभग उसमें 100% सपोर्ट हो चुकी है। सारे गांव की सड़कें हमारी स्वीकृत हो चुकी हैं। दूसरा होता है किसानों के लिए पानी की आवश्यकता है, तो मैंने जो है जिससे भी विधायक बना सबसे पहले कुंडानिया डैम की ओर ध्यान दिया, और वो कुंडानिया डैम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत सुषमा विधानसभा में लगभग 100% पानी की सुविधा हो जाए, और बीच में छोटे स्टाफ डैम्स भी बनवाए हैं, और इसके अलावा कुंडालिया से पीने के पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी है। उसका 210 करोड़ का बजट स्वीकृत हो चुका है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस साल बारिश का पानी ही कुंडालिया डैम में। सर 2018 को लेकर आपका सुषमा विधानसभा को लेकर क्या विजन है? देखिए, 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति और सिद्धांत के साथ काम कर रही है उसके तहत पूरा भरोसा आम जनता का भारतीय जनता पार्टी में है, और जो काम किए उसी के आधार पर चुनाव में जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ विधायक मुरली जी पाटीदार विधानसभा क्षेत्र से। शुक्रिया।